वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। अर्नोल्ड बेनेट अपनी किताब डॉक्टर एंड मेडिसिन विच शुरू विच ही इस तरह लिखता है, मैं आप खुद डॉक्टर हाँ, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाई की है, इस करके कि मैं 40 साल तो उपर की उम्र का हाँ। वह अगे जाके लिखता है, जिमें जिमें बंदे की उम्र बढ़ती है उसनों दिन पर दिन बीमारी ते काबू पाउण दा तजर्बा हुंदा जांदा है। जद डॉक्टर डिग्री लैके अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है अते ओह दवाइयां दे तजर्बे करता है, कदी मरीज उस पासों ठीक हो जांदे हन अते कदी ठीक नहीं भी हुंदे, पर जिवें जिवें उसकी प्रैक्टिस वधदी है ओह वधेरे सियाणा हुंदा जांदा है। ओह लिखता है, सब तो पहला बीमारियां दा आरंभ ही ख्यालां तो हुंदा है, जद ख्याल जां विचार ही बीमारी नूं कबूल कर लैन तां बीमारी आन प्रगट हुंदी है अते बंदे नूं दबा लैंदी है। असीं जदों किसे बीमार नूं वेखण जांदे हां अते हमदर्दी जताउण लई जांदियां ही उसनूं कह दिंदे हां कि 2 दिनां दी बीमारी ने इन्ना कमजोर कर दिता है, तूं तां पहचानिया ही नहीं जांदा, तेरा रंग पीला फूक हो गया है, अखां अंदर वड़ गईआं हन। इस नाल मरीज वधेरे बीमारी दे असर नूं कबूल लैंदा है अते सोचदा है, अगे जिहड़ा बंदा आया सी उसने भी यही कहा सी, सचमुच ही मैं कमजोर हो गया हाँ। अते थोड़े चिर पिछों जदों कोई यह सवाल करदा है कि केड़ा डॉक्टर तेरा इलाज करदा है, तां दसण ते उह कहिंदा है कि उह भी कोई डॉक्टर है, उसनूं दा कुछ आउंदा ही नहीं, निरा पानी भर के शीशी विच दे दिंदा है। उस पासों कई चिर इलाज करवाया पर कोई आराम ही नहीं आया अते अखीर जदों बिल्कुल रह गया हाँ तां हुण दूसरे डॉक्टर कोल जा रहा हाँ। यही गल रही सही उम्मीद ते भी पानी पा दिंदी है अते उसनों पक्का मरीज बना दिंदी है। साडी अज दी साखी, एक माता जी भी ऐसे ही हर वेले मंजे ते पए रहिंदे सन क्योंकि ओह बीमार सन अते मंजे तों उठदे ही नहीं सन। उन्हां नाल ऐसा की वापरिया कि ओह जो उठ ही नहीं सकते सन एकदम नौबर नौ हो गए। एक बड़ी ही प्यारी साखी। साखी शुरू करन तो पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तो इसनों लाइक अते शेयर जरूर करना, जो चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना अते बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सोडी हरभजन सिंह जी लिखते हैं, मेरी धर्म माता भाव जो उन्हां दी सस माता सी, माता बसंत कौर जी नूं बीमारी इसे वहम दी हो गई कि ओह मरीज मन के मंजे ते लेटे रहिंदे सन, कोई दवाई ठीक ही नहीं सी बैठती, सारे ही निराश सन कि की किया जावे। एक दिन उन्हां ने अपने सोहरा साहब बाबा बाग सिंह जी नूं सलाह दित्ती कि तुसी घर विच अखंड पाठ कराओ अते सारे रिश्तेदारां नूं बुलाओ। सब नूं हिदायत की गई कि तुसी जदों माता जी नूं मिलो तां इह ही कहना है कि अगे नालों तुसी तकड़े हो, रंग भी लाल हो गया है, अखां भी चमकदियां हन अते चेहरे ते भी रौनक आ गई है। सब तो पहला पुजन वाला व्यक्ति सोडी हरभजन सिंह जी ही सन अते जदों उन्होंने यह सारियां गल्लां माता जी नूं कहियां तां माता जी कहन लगे, जुलाहे दियां मस्करियां मां भैन नाल ही हुंदियां हन, तू तां गपोड़े ही मारदा रहिंदा है अते मेरे नाल मखौल करदा है। ओह अगे लिखदे हन कि मैं यही राटा लगा छड्डी अते इन्ने चिर नूं उन्हां दा वड्डा लड़का भी आ गया, उसने भी उही कुछ कहा। ओह माता जी हैरान सन कि मेरे बच्चे तां कदी झूठ बोलते ही नहीं, हो सकता है मैं अगे नालों ठीक हो गई होवां। इस तरह तकरीबन हर रिश्तेदार ने जदों यही कुछ आख्या बस फिर की सी, ओह दूजे दिन ही बिस्तरे तो उठ गए अते तीसरे दिन अखंड पाठ दा भोग पिया, तां उन्हां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी परिक्रमा भी कीती, आरती विच भी हिस्सा लिया अते लंगर दी सेवा भी कीती अते नौबर नौ हो गए। दुख रोग तां इक पासे रहे। थोड़ी हरभजन सिंह जी लिखते हैं कि मेरा तां दृढ़ विश्वास है यह संसार एक ड्रामा है जिसका डायरेक्टर अकाल पुरख सिरजनहार है अते उसने जो जो पाठ किसी जीव ने दिता है चंगा चाहे मंदा ओह उसनों खेड करके
उस पास दूजे ड्रामे लई चला जांदा है। इस जीव दे वास्ता कुछ भी नहीं। जे एह जीव अपने आप नूं करता ना समझे तां इस नूं कोई दोष नहीं, इस लई कोई पाप पुन नहीं, क्योंकि इसने आप तां कुछ कीता ही नहीं। ड्रामा उहना चिर खेडिया नहीं जा सकदा जद तक एक चंगा अते दूजा मंदा ना होवे। एह मालिक दी अपनी मर्जी है किस नूं केड़ा पाठ खेडण नूं देना है। जिवें रामलीला विच इक नूं राम दा पाठ दे दित्ता जांदा है अते इक नूं लावण दा, ना तां राम बनण वाला राम हुंदा है ना ही रावण बनण वाला रावण। गुरबाणी अंदर भी यही फुरमान मिलदा है, जा आए तां तिने पठाए चाले तिने बुलाए लिया। प्रभु ने भेजिया तां असी आ गए, उसने सद्या ते चल पए। जो भी कुछ किस्मत विच लिखिया हुंदा है ओह ही बंदे काम करदे हन। उस दे कलन नाल ओह आमदे अते उठ के तुर पैंदे हन। इक ना हुकम समाए ले इक ना हुकमे करे विनाश, साई कार कमावनी तुर छोड़ी तिन्ना पाए। इस प्रकार दे अनेका ही प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज हन, जिन्हां नूं असीं सुणदे हां पर फिर भी हों विच लद्दे फिरदे हां। हुण कई सवाल कर दिंदे हन, जेकर सब कुछ हुक्म विच है तां फिर मन आईयां करिए, ऐशां लईए, पाठ पूजा क्यों करिए? जद उस दी मर्जी होवेगी तां करवा लेगा। तां उस दे जवाब विच सोडी हरभजन सिंह जी लिखदे हन, हर तस्वीर दे दो पासे हुंदे हन, जेहा वेखे तेहा वेख, भाव जे करता बनेगा तां तेरे लई दुख सुख पीड़ा रोग आदि सब कुछ है। जेकर कारक हुक्मी बंदा बनेगा तां तेरी लाइन पहली हो जावेगी अते एह पहली श्रेणी आप हासिल नहीं हुंदी, कला काल के अभ्यास दे पक जान नाल हुंदी है। जिस ते उस मालक दी नजर होवे उस नूं एह सोझी हुंदी है, नहीं तां गल्लां नाल तां ज्ञान हो ही नहीं सकदा। पाप पुन हमरै वसना है अते जद तक व्यक्ति अपने आप नूं करता समझदा है जन्म मरण दा गेड़ तां बनिया ही रहिंदा है, धर्म राज दे दरबार दा लेखा बनिया रहिंदा है। नरकां दे दुख अते स्वर्ग दीआं मौजां बनिया रहिंदियां हन, मुक्ति प्राप्त कदाचित नहीं हुंदी। पर जेकर इस दे अंदरों होदी क्रिया बंद हो जावे तां छुटकारा है, धर्म राज दे कागज़ फट जांदे हन। अते इह हों कदों आंदी है? जदों हर चंगे काम वास्ते अपने आप नूं व्यक्ति सेरा दिंदा है अते बुरियां दा सेरा रब दे मरदा है। हर चंगे कर्म दा फल मंगदा है, हर चंगे किते काम दा फल अते मंदे काम लई माफी चाहुंदे हन जो के कदी नहीं मिलदी। अगर हर चंगे काम दा सेरा मालिक नूं दईए, उस दा धन्नवाद करिए कि सच्चे पातशाह तुसां मेरे ते तरस खा के इह चंगा काम मेरे पासों करवा लिया है, नहीं तां मेरे वर्गे होर किसे नीच पासों भी करवा सकदे सी, तां सेरा तुहाडे सिर हुंदा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।